फसलों के लिए एमएसपी समेत अन्य मांगों को लेकर किसान फरवरी से पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर धरना देकर बैठे हैं। अब कोर्ट की ओर से एक हफ्ते में शंभू बॉर्डर खोलने के आदेश दिए जाने के बाद किसानों में हलचल बढ़ गई है। क्या अब किसान दिल्ली कूच करेंगे, इसकी चर्चा भी तेज हो गई है। पंजाब के संगरूर में खनौली बॉर्डर पर सोमवार को किसान नेता जगजीत सिंह डलेवाल की अगुवाई में गैर राजनीतिक किसान मोर्चे की बैठक होने जा रही है। इस अहम बैठक में दिल्ली कूच के बारे में अंतिम फैसला दिया जाएगा। फसलों को लेकर एमएसपी समय अन्य मांगों को लेकर किसान फरवरी से पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब कोर्ट की तरफ से एक हफ्ते के अंदर शंभू बॉर्डर खोलने के आदेश दिए जाने के बाद किसानों में हलचल बढ़ गई है। क्या अब किसान दिल्ली कूच करेंगे, इसकी चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। पंजाब के संगरूर में खनौली बॉर्डर पर सोमवार को किसान नेता जगजीत सिंह डलेवाल की अगुवाई में गैर राजनीतिक किसान मोर्चे की बैठक होने जा रही है। इस अहम बैठक में ये स्पष्ट हो जाएगा कि किसान दिल्ली कूच के बारे में क्या सोच रहे हैं, उनका अंतिम फैसला क्या है, ये आज स्पष्ट हो जाएगा। आपको बता दें, फसलों के लिए एमएसपी समय का अन्य मांगों को लेकर किसान फरवरी माह से पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं। अब कोर्ट की तरफ से एक हफ्ते के अंदर शंभू बॉर्डर खोलने के आदेश दिए जाने के बाद किसानों में हलचल तेज हो गई है। इसको लेकर अब ये चर्चाएं भी सामने आ रही हैं कि क्या अब किसान दिल्ली कूच करेंगे। पंजाब के संगरूर में खनौली बॉर्डर पर सोमवार को किसान नेता जगजीत सिंह डलेवाल की अगुवाई में गैर राजनीतिक किसान मोर्चे की बैठक होने जा रही है। इस बैठक में दिल्ली कूच के बारे में अंतिम फैसला लिया जाएगा, जिसके बाद ये स्पष्ट हो जाएगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अमित शेट्टी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित जी, अगर हाईकोर्ट ने शंभू बॉर्डर को खोलने का आदेश दिया है तो वहीं किसान संगठन दिल्ली कूच का प्लान कर रहे हैं, क्या लगता है दिल्ली कूच को लेकर क्या फैसला आएगा? बिल्कुल, अगर इसकी बात की जाए, पिछले लंबे अरसे से अपनी मांगों को लेकर एमएसपी के मामले को लेकर जो है किसान जो है पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर जो है बैठे हैं, और अगर ये पूरा मामला जो है पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में गया था और दिशा निर्देश दिए गए हैं कि रास्ता जो है खोला जाए, क्योंकि लगातार व्यापारी, अगर हरियाणा के व्यापारियों की बात की जाए तो वो भी इस चीज की मांग कर रहे थे कि रास्ता खोला जाए, उनका काम कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। और इसी को चलते ही अगर बात की जाए, अब जिस तरह रास्ता खोलने की बात की जा रही है, तो किसान जो है अब दिल्ली कूच जो है कर सकते हैं, और कह सकते हैं कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं अगर दिल्ली की तरफ को कूच करेंगे तो। एक काफी बड़ी चेतावनी जो है कह सकते हैं कि रहने वाली है, मगर क्या आने वाले दिनों में देखना होगा कि अब किसान जैसे बंदियां जो है इसमें क्या फैसला लेती है। मगर पिछले लंबे अरसे से जो एमएसपी की बात की जाए, कर्जा मुक्ति की बात की जाए, इसको लेकर जो है केंद्र के साथ भी कई बार जो है मीटिंग हो चुकी है, मगर कोई रिजल्ट निकल के सामने नहीं आया। तो क्या लगता है, पहले जिस तरह से तनावपूर्ण स्थिति थी वो फिर से पैदा हो सकती है? बिल्कुल, जिस तरह से अगर बात की जाए फरवरी के महीने में, जिस तरह से हमने देखा कि संघर्ष जो है काफी तेज हुआ था जब किसान दिल्ली का कूच कर रहे थे, तो हरियाणा की तरफ से गोलाबारी भी जिस तरह से हुई थी। अगर किसान दोबारा से अगर कूच करने की कोशिश करते हैं दिल्ली की तरफ, तो कह सकते हैं कि तनावपूर्ण माहौल जो है फिर दोबारा से बनने की संभावना है, मगर देखना होगा कि क्या निकल के नतीजा सामने आता है। मगर लगातार किसान यही कह रहे हैं कि हम तो शांतिपूर्वक तरीके से जो है दिल्ली जाने की बात कर रहे हैं। तो क्या फिर से जो व्यापारियों को अभी तक जो समस्या बनी हुई थी, वो जाहिर सी बात है अगर वो दिल्ली कूच करके फिर से वही समस्या उत्पन्न होगी, और जो वहाँ के व्यापारी हैं लोकल मार्केट वाले, उन्हें कई तरह की दिक्कतों का सामना भी इस दौरान करना पड़ सकता है? अमित, बिल्कुल, इसकी अगर बात की जाए, क्योंकि फरवरी के महीने से अभी तक किसान जो है बॉर्डर्स पर बैठे हैं, और कहीं ना कहीं जो व्यापारी वर्ग है उनका काम जो है काफी प्रभावित जो है पूरे इस मोर्चे को लेकर जो है हो रहा है। तो अगर दोबारा से अगर किसान जो है दिल्ली की तरफ को कूच करते हैं, तो आने वाले दिनों में जो है फिर हो सकता है कि व्यापारियों की जो है मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही। ठीक है अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी के लिए।